श्रम जो कानून है उसमें संशोधन किए हैं, जिसमें पूरे देश में जो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। जो मजदूरों का शोषण होता है उसके लिए क्या करें? लेबर डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं कर रहा। देख, अभी मैं 3 दिन पहले आसाम में था, तो वहाँ के जो रीजनल लेबर कमिश्नर थे वो मेरे प्रोग्राम में 4 घंटा मौजूद रहे। तो हमें एक ही बात वहाँ से हमने सभी वर्कर्स के बीच में रखी कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर जो हमारे जो श्रमिक काम कर रहे हैं और वहाँ पर कहीं भी पेमेंट की अनियमितता है, तो हम लेबर डिपार्टमेंट को शिकायत करें और उसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरा उनको सहयोग करेंगे। मान लें आपका 2,000 रुपया रुका हुआ है तो पेनल्टी जो है सीधा 20,000 रुपये लगती है और साथ में 2,000 भी मिलता है। इसने की आवश्यकता है जिस काम में मेरे वॉलंटियर्स जो हैं वो उनको मदद करेंगे। लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट लेबर जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, हर एक लेबर डिपार्टमेंट, स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर रीजनल लेबर है, रीजनल के ऊपर जो है वो सेंट्रल लेबर है, तो दोनों तीन यूनिटें एक दूसरे को देखती हैं। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कहीं पे भी कोई अनियमितता होगी और जहाँ भी अनियमितता होगी उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपने काम को अच्छी तरह काम भी बनेगा, अच्छा काम बनने से आपके जो समस्याएं होती हैं उनका भी निवारण होगा। तो आप बता सकते हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं उनको बता सकते हैं, और अपने काम को लगन के साथ करें। जितने ज्यादा इकट्ठे होंगे, ज्यादा यूनियन बनाएंगे, अपने संगठित होंगे, उतना ही आपकी एक ताकत बढ़ेगी। तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छा कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 नवंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक ओहदा दिया जाता है कि हाकर एसोसिएशन शनिवार का दिन अभी तक 15,000 रुपए का इलाज अपने पैसे से करवा चुका हूँ। कर्मियों को सस्पेंड नहीं बल्कि सर्विस करना चाहिए। किसी कोई हेलमेट लगाने आए, मैंने कहा भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद में खाने आऊंगा। जब उसका मैं अभिनंदन करता हूं और इनकी टीम में जितने भी पूरे भारतवर्ष से लोग शामिल हुए हैं, चाहे किसी भी प्रदेश से हो, मैं लगातार इनसे जुड़ा रहता हूं और मैं देखता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में इनकी शाखाएं खड़ी हो चुकी हैं और न केवल हॉकर्स मजदूरों के लिए बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी मजदूर भाई कार्य करते हैं, चाहे वो सिनेमा वर्कर्स हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए वर्कर्स हो, चाहे कारपेंटरी में काम करते हो, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिशियन में, किसी भी फील्ड में जो मजदूर भाई कार्य करते हैं, उनके हकों की लड़ाई है, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं। श्रमिकों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। हम लगभग सभी राज्यों में अपने संगठन को विस्तार करे हुए हैं। उसी व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में जो हमारा एक हाकर्स एसोसिएशन है, वैसे हमारा यहाँ पर मूल बॉडी जो है भारतीय जनता मजदूर संघ की, वो सभी यूनिट्स में काम कर रही है, मगर आज विशेष रूप से जो जम्मू कश्मीर के जो हॉकर्स एसोसिएशन है, हम उनके निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं और तमाम हॉकर्स बंधु जो हैं यहाँ पर, जो रेहड़ी पटरी लगा करके अपना काम कारोबार करते हैं, उनको आज हम ये सब बताना है कि किस तरीके से जो भारत सरकार की योजनाएँ वर्तमान मोदी सरकार ने जो दी हुई हैं उसका वह लोग लाभ लें और अपने स्वावलंबी बने। वो किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वावलंबी बने और एक मिशन जिसमें हम रोजगार देने वाले बने, मजदूरी करने वाले नहीं, इस प्रकार के मिशन को हम लोग अंजाम देने के मातहत यहाँ इकट्ठा हैं। और इस साथ ही साथ मेरा जो हॉकर्स जो हैं हमारे, उनसे एक निवेदन भी ये सभी से रहने वाला है कि हम लोग अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं उसमें सड़कों को जो है नाजायज तरीके से कब्जा ना करें, सड़कें खुली रखें ताकि लोगों की आवाजाही भी बनी रहे और शासन प्रशासन जो है वो नाजायज तरीके से उनको परेशान ना करे। और प्रशासन से भी हमारा आग्रह रहेगा कि रेहड़ी पटरी जो है, ये जो वर्कर्स हैं, इनके भी परिवार हैं, उनकी सुरक्षा और उनके काम कारोबार को ध्यान में रखते हुए उनको जो है मदद करने का कार्य करें। देखिए, भारतीय जनता मजदूर संघ
जम्मू कश्मीर हॉकर्स एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में बैठक में आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हैं और इसमें हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो जो हॉकर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जगह जगह रेडी पटरियाँ लगा रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हम उनके साथ में हैं, शासन के साथ, प्रशासन के साथ और हॉकर्स के साथ में एक समन्वय रहे। हॉकर्स भी जगह जगह जो है वो रेडी पटरियों को सुचारू रूप से जो परिवहन है उसकी भी व्यवस्था को देखें, रास्ते भी जाम ना हो और प्रशासन भी उनको नाजायज तंग ना करे। इसके अलावा जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं रेडी पटरी के जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए दी गई हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की तमाम योजनाएं हैं ऐसी जो हमारे जो हॉकर्स बंधु हैं उनके लिए हैं, उनका लाभ उनको सीधे तौर पर मिले और कहीं भी कोई भ्रष्टाचार ना हो, हम लोग एक सशक्त प्रहरी के रूप में मदद करें उन लोगों की। हमारा यही आज का बैठक का ध्येय है।